आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपके लिए बिल्कुल अलग और नई डिश लेकर आई हूँ, जो कि मलाई के टोस्ट। हम जो दूध उबालते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है, उस मलाई के बिल्कुल साधारण तरीके से कम सामान में मैं आपको टोस्ट बनाना सिखाती हूँ। मैंने एक बाउल मलाई ली है और थोड़ी सी मैंने चीनी ली है, ये ब्रेड लिए हैं, इन्हीं सबसे मैं आपको मलाई के टोस्ट बनाने सिखाती हूँ। मलाई मैंने जो हमारे दूध आता है मैंने उसी की मलाई निकाल के रखी थी, और ये चीनी भी घर में होती है, ये चीनी ले ली है, और ब्राउन ब्रेड मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप जोन सी चाहे वो कर सकते हैं, व्हाइट भी ब्राउन भी, जो आप चाहे सो यूज कर सकते हैं। दो ब्रेड के किनारे मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं आपको दो तरीके से ये बनाने बताऊंगी कि ये कैसे बनेंगे। अब मैंने एक ब्रेड ले लिया है और इस पर हम मलाई लगाएंगे धीरे धीरे करके, पूरे ब्रेड पे हम मलाई लगा देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे ब्रेड पे भी ऐसे ही मलाई फैला कर लगा दूंगी। अब आप देख रहे हैं मैंने दोनों ब्रेड पे मलाई लगा दी है। अब मैं थोड़ी चीनी ऐसे डाल दूंगी इसके ऊपर, इस पर चीनी डाल दी है। अब मैं दूसरा ब्रेड भी इसी के ऊपर ऐसे रख दूंगी, ये हमारा सेकने के लिए तैयार हो। अब मैं आपको दूसरी तरीके का बनाना बताती हूँ। इसमें हम जो मलाई बची हुई है इसमें मैं दो चम्मच चीनी ऐड कर दूंगी। इस चीनी को हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने मलाई के अंदर चीनी डालकर मिक्स कर ली है। अब मैंने वो ब्रेड ले लिया जिसके किनारे काट रखे थे। मैं दोनों तरीके आपको इसलिए एक ही वीडियो में बता रही हूँ जिससे आपका टाइम खराब ना होए। जो मैंने मलाई में चीनी मिलाकर रखी हुई थी वो मैं ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। आप देख रहे होंगे फैला फैला कर इसको अच्छी तरह से किनारों तक आप पूरी तरह से लगाई है। ये मैंने रख दिया। मैंने दूसरी ब्रेड पे भी मलाई लगा दी है। अब मैं दोनों को एक साथ इसके ऊपर रख रही हूँ, ये मैंने रख दिया है। मैंने एक टोस्टर ले लिया है और उसको ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर लगाती हूँ। ये दोनों ब्रेड मैंने टोस्टर के अंदर रख दिए है। अब मैं इनमें हल्का सा बटर लगा देती हूँ, दोनों में हल्का हल्का, बिल्कुल ज्यादा ना लगाएं, हल्का सा ही लगा दें। बटर लगाने के बाद अब मैं इसके टोस्टर को बंद कर देती हूँ, दो तीन मिनट के लिए बंद कर दें तो ये तैयार हो जाएंगे। चार पांच मिनट हो गए हैं, मेरे टोस्ट तैयार हैं। अब हमारे मलाई के टोस्ट खाने के लिए तैयार हैं। खाइए भी खिलाइए भी, ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों को अपने लिए कभी भी बना सकते हैं, और हल्की फल्की भूख हो तो बच्चों को कभी भी बना के आप खिला सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। अगली बार किसी नई चीज के साथ मिलते हैं।